हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो गाइस मेरे मन में एक आइडिया आया कि आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिच एंड पुअर। तो गाइस, आप जानते होंगे कि मैं एक अमीर आदमी हूँ और मेरी इस शहर में कितनी पहचान है, तो मैं इसी को देखते हुए आज एक्सपेरिमेंट करने जाऊँगा। तो गाइस, एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि मैं यहाँ से शोरूम में जाऊँगा और पूरे बंडी में जाऊँगा। तो गाइस, देखते हैं शोरूम वाले का क्या रिएक्शन होता। तो गाइस, बिना देरी हुए जल्दी से हम यहाँ पे कपड़ा पहनते हैं और चलते हैं। सॉरी गाइस, कपड़ा उतार देते हैं क्योंकि गाइस हमें अभी पुअर बनना है। तो गाइस, हम इसी बंडी में चलते हैं और ये गले पे गमछा ऐसे रहने देते हैं। तो गाइस, फटाफट से चलते बाहर और चलते हैं शोरूम। तो गाइस, मेरी समझ में आ ही नहीं रहा है कि मैं कौन सी गाड़ी में जाऊँ। तो गाइस, मैं गाड़ी में जाऊँगा तो शोरूम वाले को पता चल जाएगा कि मैं अमीर हूँ। तो गाइस, सोचते हैं किस में चलते हैं। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राजू, तू आज टाइम पर आ गया है। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ स्कॉर्पियो, बोलेरो। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे मैं किस में जाऊँ, किस में? अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ इन दोनों साइकिल में से एक साइकिल में जाया जाए। तो गाइस, इस वाली साइकिल में चलते हैं क्योंकि गाइस ये दूध वाली साइकिल, मतलब जो मिल्क मैन आता है उसी की साइकिल है। तो गाइस, हम इसी को फटाफट लेके चलते हैं, हमसे चलिए। बट गाइस, हम फटाफट से चलते हैं और शोरूम, वहाँ से हम फटाफट से लेके आते हैं। नहीं गाइस, हम देखते हैं शोरूम वाले का रिएक्शन कैसे। ओ भाई गाइस, यहाँ तो एक्सीडेंट भी है, मतलब जाम लग रखा है गाइस। यहाँ देखिए, एक स्विफ्ट वाले की पिछवाड़े पे लगा दिए। तो गाइस, हम प्रॉपर से चलते हैं और देखते हैं शोरूम वाले का रिएक्शन। गाइस, क्या पता वो हमें मार के फेंक दे, क्या पता वो हमें कार भी दे दे। तो गाइस, देखते हैं उसका रिएक्शन और चलते हैं फटाफट। तो गाइस, मेरे को लग रहा है कि हमें मार के भगा देगा वो, क्योंकि गाइस यहाँ इस शहर के मतलब लोगों का हालत बहुत ख़राब हो रखी है गाइस। मतलब अमीर और गरीब में बहुत अंतर करते हैं गाइस। तो मतलब हम फटाफट से चलते हैं और शोरूम के अंदर और शोरूम वाले का रिएक्शन देखते हैं। तो गाइस, अपनी साइकिल को यहीं पे खड़ी कर देते हैं। तो गाइस, हम एक काम करते हैं ना, शोरूम के बाहर पे हम अपनी साइकिल को खड़ी कर देते हैं और वहाँ से हम एक कार परचेज करते हैं। तो गाइस, हम फटाफट से अंदर चलते हैं। ओ भाई गाइस, यहाँ पे तो हम यहाँ पे शोरूम के बॉडी गार्ड भी हैं। अरे कौन अंदर चल रहा? अरे मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। अरे तेरे लोग यहाँ कोई कार नहीं है? अरे तुम देखते जाओ बस, मैं कार खरीदता हूँ। अरे यार गाइस, इन्हें तो हमें यहीं पे टोक दिया है। तो गाइस, हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी कार हमें पसंद आती है। अरे अरे, अरे मालिक सुनो तो, हमें एक कार चाहिए थी। अरे कौन सा आ गया तू भिखारी, चल निकल यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरे को एक कार चाहिए। अरे मैं पूरी पेमेंट कर दूंगा। अरे निकल के मैं बॉडीगार्ड बुलाऊं। अरे तुझको जो करना है कर ले, पर मेरे को एक कार खरीद के जानी है। अरे बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड जल्दी आ। ओ भाई गाइस, ये तो हमने बॉडीगार्ड बुला रहा है, क्या पता बॉडीगार्ड आ रहा होगा अभी। ओ भाई गाइस, ये बॉडीगार्ड तो हमें बाहर पे मतलब डंडा लेके खड़ा हो रखा है। तो गाइस, मेरे को लगता है हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो गाइस, हम प्रॉपर से निकल पड़ते हैं बाहर और चलते हैं। तो गाइस, इस शोरूम वाले का रिएक्शन तो बहुत ही ख़राब था गाइस, मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है इसके साथ। तो गाइस, एक काम करते हैं, हम अभी अमीर बन के आते हैं और इस शोरूम वाले के शोरूम को पूरा ख़रीद देते हैं गाइस। तब शोरूम वाले को पता चलेगा कि हम कितने अमीर हैं। तो गाइस, लगता है हम इस शहर में, मेरे को 3 साल हो गए, अभी तक मेरे को कोई जानता ही नहीं है। बट यार गाइस, अब मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कि मेरी पहचान बन जाए, क्योंकि गाइस मैं इतना अमीर आदमी हूँ और मेरे को कोई जानता ही नहीं है। तो गाइस, हम प्रॉपर से घर चलते हैं और अपना हुलिया चेंज करके एकदम कोई न्यू कार में आते हैं और यहीं से एक पूरा शोरूम ही ख़रीद देते हैं गाइस। तब पता चलेगा कि हम कितने अमीर आदमी हैं। यार गाइस, शोरूम वाले का रिएक्शन देखने लायक हो जाएगा जब हम अमीर बन के चले जाएंगे। तो गाइस, फटाफट से हम अपने घर पे पहुंच ही गए हैं, अब चलते हैं अंदर और सीधे कपड़े चेंज करते हैं। तो गाइस, फटाफट से चलते हैं इस गेट से छोटे वाले गेट से चलते हैं आज अंदर। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी कार में जाया जाए। गाइस, पहले तो हम कपड़े चेंज कर देते हैं, क्योंकि गाइस हम बंडी में ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि गाइस हम बंडी में सिर्फ नहाते हैं। तो गाइस, मैं तो कई दिनों से नहाया भी नहीं था गाइस, हम फटाफट से नहा भी लेते हैं। तो गाइस, पता भी है आपको, मैं कई दिनों से नहाता भी नहीं था गाइस। तो हम आज फटाफट नहा भी लिए हैं और चलते हैं, थोड़ा सेंट सूंट छिड़क छुड़क करके हम फटाफट से कपड़े चेंज करके चल देते हैं, क्योंकि गाइस वहाँ जाके हम अमीर भी लगेंगे और अच्छे से एक मतलब शोरूम भी खरीदेंगे। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी वाली शर्ट पहनी जाए। तो गाइस, ये वाली शर्ट अच्छी लग रही है। नहीं गाइस, हम दूसरी शर्ट पहन लेते हैं, ब्लैक वाली। तो गाइस, हम मेरे पे एक ब्लैक वाली शर्ट भी थी गाइस, देखते हैं कौन सी थी वो। तो गाइस, ये वाली ब्लैक वाली शर्ट अच्छी लग रही है, हम इसी को पहन के चल देते हैं। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कौन सी कार में जाया जाए जिससे कि हम एकदम अमीर लगे। गाइस, मेरे गैराज में एक पोर्शे है, मैंने उसे मॉडिफाई किया था, तो हम उसी को लेके चलते हैं। तो गाइस, ये देखिए मेरी पोर्शे, तो हम इसी को लेके चलते हैं। तो गाइस, उस शोरूम वाले को भी तो पता चले कि हम कितने अमीर आदमी हैं।
तो गाइस हम फटाफट से जल्दी से पोर्चो को लेके और वहाँ से पूरे शोरूम को खरीद देते हैं। खुल जा सिम सिम। यार गाइस मेरे को लगता है ये गेट ख़राब हो गया है गाइस, हमें इसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीस लगाना पड़ेगा जिससे कि वो गेट ज़्यादा ही काम करे। तो गाइस हम फटाफट से चलते हैं और शोरूम वाले का रिएक्शन देखते हैं। तो गाइस फटाफट से हम पहुँचने वाले हैं शोरूम पे और गाइस देखते हैं कि इस बार मतलब इस बार उसके बॉडीगार्ड का क्या रिएक्शन होगा। तो गाइस हम अपनी पोर्चे को यहीं पे खड़ी करते हैं, एक बार देखते हैं। गाइस ये पुलिस वाले तो पता नहीं क्यों मेरे पोर्चे के पिछवाड़े में ले जा रहे हैं। अरे पुलिस अंकल सॉरी सॉरी। अरे तुम्हें मेरी पावर का पता ही नहीं है। गाइस इन पुलिस वाले को दोबारा भूनना ही पड़ेगा। गाइस मैंने इन्हें पिछले साल ही भूना था, इस बार भी भून ही देता हूँ। ये ले गाइस ये तो मेरे को मारे जा रहे हैं। ओ भाई गाइस गाइस हमें थोड़ा सा भागना पड़ेगा गाइस। ओ भाई गाइस गाइस ये पुलिस वाले तो मेरा पीछे नहीं छोड़े गाइस, लगते हैं इन्हें मारने पर मार के समझेंगे। ये ले गाइस मेरा तो बिल्कुल भी फाइट करने का मन नहीं था गाइस, मेरे को ज़बरदस्ती फाइट करनी पड़ी। ये ले गाइस एक को तो भून दिया। ये ले गाइस ये दूसरा पुलिस वाला तो चुपचाप हो गया। ये ले जानता नहीं हूँ मैं कौन हूँ। ये ले तो गाइस मैंने फाइनली एक दूसरे पुलिस वाले को भी भून दिया। फटाफट से अंदर चलते। तो गाइस हम एक काम करते हैं ना, यहीं से फिर से हम अपनी पोर्चे में बैठ के यहाँ पे शोरूम के बाहर पे चलते हैं और बॉडीगार्ड का रिएक्शन भी देखेंगे। तो गाइस हम फटाफट से इसके बाहर पे लगा देते हैं यहीं पे। तो हम फटाफट से शोरूम के अंदर से एक पूरा शोरूम में परचेस कर देते हैं। अरे बॉडीगार्ड पहचाना तूने मैं कौन हूँ? अरे सर मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे सर आइए ना हम आपका स्वागत करते हैं। ये ले तो गाइस इसको मार के भगाते हैं क्योंकि गाइस इसने पिछले साल जब ना मतलब मैं पिछली बार जब आया था ना तो इसने मेरे को भगा दिया था। गाइस एक मोटा ये भी है जिसने मेरे को भगाया था। ये ले पहचानता है मैं कौन हूँ? ये ले अब मैं बॉडीगार्ड बुलाऊंगा ना तेरे को यहीं पे सूद दूंगा। अरे तुम मेरी पावर का अंदाजा नहीं जानता है। ये ले मैं ये पूरा शोरूम खरीद दूंगा। ये ले अरे मालिक सॉरी। अरे ये ले चल मेरे को कोई फटाफट से एक कार देगा। तो गाइस हमने इस पूरी शोरूम को खरीद दिया, हम यहाँ पे से एक कार परचेस करते हैं और उसको लेके चल देते हैं। तो गाइस मैं इस बारी वाली कार परचेस करूँगा स्कॉर्पियो। तो गाइस इसकी डिलीवरी हमें यहाँ शोरूम के पीछे वाले हिस्से से मिल जाएगी बैकयार्ड से, क्योंकि गाइस शोरूम के आगे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है जिससे कि वो हमें मतलब स्कॉर्पियो की डिलीवरी दे सके। ओ भाई गाइस ये हमारे स्कॉर्पियो की दिखने में कितनी शानदार लग रही है। वो भाई गाइस ये हमारे लिए कितना अच्छा सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। थैंक यू भाई थैंक यू। तो गाइस वाले स्कॉर्पियो को हम फटाफट से लेके अंदर अपने मतलब घर में रख देते हैं और चल गाइस इस वाले वीडियो में इतने ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।